Dear students, assalamu alaikum. I am Miss Anisa, science teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 38. In lecture number 37, we have discussed about test preparation of unit number 6. I am sure you have done this homework. Dear students, open your books, page number 67. Today we are going to start unit number 7, solutions and suspensions. Solution एक ऐसा mixture होता है जिसमें दो element जो हैं solvent और solute बिल्कुल totally mix हो जाते हैं. दोनों के particle बिल्कुल भी अलग से नज़र नहीं आते, इनको हम अलग नहीं करके देख सकते. उसके बाद suspension एक ऐसा solution होता है जिसके अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं, वो कम्प्लीटली जो है उसके अंदर मिक्सचर नहीं होते, मिक्स नहीं होते. सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पेज नंबर 67. व्हेन डर्ट एंड वाटर मेक अ मिक्सचर द डर्ट विल स्लोली सेटल टू द बॉटम. When solid sugar dissolve in a glass of water to make a mixture, the sugar will not settle to the bottom. The sugar and the water mix so completely that the solid sugar seems to disappear. Every part of mixture is exactly the same as every other part. This is special kind of mixture. We will discuss it in this chapter. डर्ट कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी के ज़रात जब पानी के अंदर, या गंदगी को कहते हैं अगर पानी के अंदर मिक्स करें तो. जब हम मिक्स करना छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद, अब आप देखेंगे तो ये डर्ट जो है आपको पानी के नीचे बैठी हुई नज़र आएगी, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगी. द डर्ट विल स्लोली सेटल टू द बॉटम. बॉटम कहते हैं नीचे वाले हिस्से को, गहराई को. जैसे ही हम इसको मिक्स करना छोड़ेंगे ये डर्ट जो है वो बॉटम में बैठ जाएगी. व्हेन सॉलिड शुगर डिजॉल्व इन द ग्लास ऑफ वाटर टू मेक अ मिक्सचर द शुगर विल नॉट सेटल टू द बॉटम. लेकिन अगर हम पानी को शुगर के अंदर, शुगर को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाती है, उसके ज़रात जो हैं वो बीच में सोल्यूशन में नज़र नहीं आते. डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना. एवरी पार्ट ऑफ मिक्सचर इज एग्जैक्टली द सेम एज एवरी अदर पार्ट. और इस मिक्सचर का, शुगर और वाटर का जो मिक्सर बनाएंगे, इस मिक्सर का हर हिस्सा जो है एक जैसा सेम होगा, कहीं पे भी कम या ज़्यादा शुगर नहीं होगी, सेम मिक्स हुआ होगा. दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर. ये ख़ास किस्म का ये मिक्सचर है. वी विल डिस्कस इट इन दिस चैप्टर. और हमने इस चैप्टर के अंदर इसी को ही डिस्कस करना है. अगला हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट. सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट, कंपोनेंट होते हैं अज़ा, हिस्से, सॉल्यूशन के हिस्से. और सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे. वी नो दैट मैनी सॉलिड डिजॉल्व व्हेन दे आर पुट इन टू लिक्विड्स. When something dissolves, it forms a solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. The mixture of salt and the water is a solution. We use many solutions every day. हम जानते हैं कि जब हम सॉलिड को पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तो बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं. और मिक्स होने के बाद ये जो है सॉल्यूशन बनाते हैं. सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके सारे पार्ट्स जो हैं वो एक जैसे ही मिक्स हुए नज़र आते हैं. इसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं. अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं. ऑल सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. द सब्सटेंसेस इज लेस amount is called solute. The substance in which solute is dissolved is called solvent. Solution के अंदर ऐसा component जो कि कम मिकदार में हो, less amount में हो, उसको solute कहते हैं.
और जिसके अंदर सॉल्यूट मिक्स होता है यानी कि लिक्विड जो होता है वो उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। द सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर इन द क्वांटिटी देन अ सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट है वो हमेशा मिकदार में सॉल्यूट से ज़्यादा होता है। द सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर इन क्वांटिटी देन द सॉल्यूट। कैन यू एक्सप्लेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। वो कहता है आप बता सकते हैं अगर हम पानी को और नमक को मिक्स करें, सॉल्ट को मिक्स करें, तो इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। जो सॉल्ट है इसमें वो सॉल्यूट होगा और जो वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में आपको दिखा रहा है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिक्स होते हैं तो उसके नतीजे में सॉल्यूशन बनता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की टाइप्स कितनी है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर दोज इन विच अ सॉलिड एंड लिक्विड गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड्स। हाउ एवर अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर ऑल्सो फाउंड। वो कहता है मोस्ट कॉमन जो टाइप्स हैं सॉल्यूशन की उनमें सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की हैं और उसके अलावा गैस भी डिजोल्व हो सकती है लिक्विड के अंदर। और कुछ टाइप्स जो हैं वो नीचे टेबल में बताई गई हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्यूट, उसमें देखिए सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड को मिलाकर जो दो इन चीज़ों से सॉल्यूशन बनता है, एक तो सॉल्ट सॉल्यूशन है, लैमिनेट टी है, ठीक है, और लिक्विड, और लिक्विड का जो मिक्सचर है इंक इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। गैस और लिक्विड का है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, रिवर वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। गैस और गैस का सॉल्यूशन क्या है, एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सर है जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा भी है। तो सॉलिड और सॉलिड का है जो ब्रास, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक और कॉपर को मिक्स किया जाता है और उसके नतीजे में ब्रास बनाई जाती है। ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ये भी एक मिक्सचर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। होमवर्क में टूडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन सॉल्वेंट। द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। और नंबर 3 क्वेश्चन है, डिफाइन सॉल्यूट। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो कम मिकदार में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। डू दिस होमवर्क इन योर कॉपीज एंड लर्न इट। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 39 में टॉपिक विल बी एक्वियस सॉल्यूशन और पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 68 में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।